हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी ये यमी और टेस्टी दिखने वाला रेड सॉस पास्ता। इसे बनाना बहुत इजी है और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पास्ता, टमाटर, प्याज, और यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स लिए हैं, लहसुन, टमाटो केचप, काली मिर्च का पाउडर और नमक। और यहाँ मैंने अमूल की चीज़ यूज़ करी है। आप चाहें तो ना भी करें, लेकिन इस स्टेप को करने से हमारा पास्ता जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतीले में पानी डाल लेंगे हमारे पास्ता को बॉईल करने के लिए। तो यहाँ मैं कम से कम 2 ग्लास से ज़्यादा पानी यूज़ कर रही हूँ मैं पास्ता बॉयल करने के लिए। उसमें 1 चम्मच तेल और आधी छोटी चम्मच मैं नमक का डालूँगी। और उसके बाद यहाँ मैंने 1 पाव पास्ता लिया है, उसे डाल दूंगी और उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। जब तक हम क्या करेंगे, हमारी प्योरी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं और उसका ऊपर का पार्ट काट के ऐसे कट लगा देंगे, जिससे कि हमें इन टमाटरों को बॉईल करने के बाद छीलने में आसानी हो। तो सारे टमाटरों को इसी तरीके से काट लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ 2 ग्लास पानी लिया है, इसमें मैं अपने सारे टमाटर को डाल दूंगी और इसे गैस पे रख देंगे। इन टमाटरों को हमें जब तक बॉईल करना है, जब तक कि इनकी जो स्किन है यानी कि छिलका है वो अलग ना हो जाए, और इसे ढक के हम तब तक पकाएंगे जब तक हम अपने मैक्रोनी को या पास्ता को देख लेते हैं। तो ये हमारी जो पास्ता है ये बिल्कुल पक चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल पक चुका है। इसके बाद मैं इसे ड्रेन कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक पतीला लिया है और ये स्ट्रेनर लिया है। अगर आप घर में हैं तो आप अपने सिंक में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे डाल के मैं ठंडा पानी डाल दूंगी, जिससे हमारा पास्ता आपस में चिपके ना, ये देखिए। और अब हमारे जो टमाटर है वो भी उबल चुके हैं, देखिए इनकी स्किन किस तरीके से निकल गई है। तो अब इन्हें हम गैस ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर, उसके बाद ही हम इसका छिलका निकालेंगे। यहाँ मेरे टमाटर ठंडे हो चुके हैं तो मैं इनका छिलका निकाल लूँगी इस तरीके से, देखिए। उसके बाद मैं इन सारे टमाटरों को छील के एक ब्लेंडर में डाल दूँगी और इनका हम अच्छे से फाइनली एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जो थोड़ा सा बचा हुआ पानी है मैंने वो भी डाल दिया है। इस तरीके से हम इसकी एक प्योरी बना लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म करी और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद यहाँ मैं 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन के डाल रही हूँ। अच्छे से इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद एक मीडियम कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ मैं यहाँ। इसे भी डालकर हम दोनों चीज़ों को अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे और मिक्स कर देंगे दोनों को। और इन दोनों को अब मैंने ब्राउन कर लिया है। यहाँ मैं अपना जो टमाटो की हमने प्योरी बना के रखी थी उसे डाल देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे थोड़ा थिक कर लेंगे। यहाँ मेरी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो चुकी है, तो मैं अब इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप का डालूंगी। एक टेबलस्पून काली मिर्च, आप चाहे तो 1/2 टेबलस्पून भी यूज कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। और मैंने यहाँ पे थोड़े से मिक्स हर्ब्स भी डाले थे, वो वीडियो में आ नहीं पाए, लेकिन मैंने आधी छोटी चम्मच मिक्स हर्ब्स का डाला था। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम अपनी ग्रेवी को थिक कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे
और यहाँ मेरी ग्रेवी थिक हो चुकी है तो मैं पास्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मेक श्योर कि कोई भी पास्ता जो है हमारा मसाले के बिना ना रहे, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसे अच्छे से मिक्स करें और ये जो है मैंने गार्निशिंग के लिए रखी है, एक चीज़ को मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है और एक चीज़ को मैंने ऐसे घिस लिया है। तो मैं यहाँ इसे एक ग्लास में निकाल रही हूँ, बेसन जार में निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे कटोरी में या किसी प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ अच्छा सा दिखाने वाली हूँ इसलिए मैं इसमें ग्लास में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ के हमने क्यूब्स काट के रखे थे उसे डाल देंगे, उसके बाद हमारा गरम गरम पास्ता डाल देंगे ऊपर से, और उसके बाद ये जो चीज़ मैंने थोड़ी सी घिस ली थी इसे डाल देंगे। चिली फ्लेक्स और थोड़े से मिक्स सॉस डाल देंगे। तो यहाँ हमारा रेड सॉस पास्ता बनके तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक देना ना भूलें। और अगर आपको ये रेसिपी ज़्यादा ही पसंद आई तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।